नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम इस सत्र में क्लास 11 के लिए संबंध और फलन चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कार्तीय गुणन क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, संबंध किसे कहते हैं, संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, और एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल का सोल्यूशन सीखेंगे और प्रश्नावली 2.1 का एक्सरसाइज का सोल्यूशन सीखेंगे। साथियों, सबसे पहले कार्तीय गुणन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और इस सेट में 4, 5 और 6 तीन अवयव है। एक दूसरा सेट बी है जिसमें 2, 3, 2 अवयव है। ए को बी से गुणा करते हैं, ए से बी को गुणा को ही कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों के गुणन की प्रक्रिया को ही कहते हैं कार्तीय गुणन। समुच्चय ए को बी से गुणा करते हैं, ए 4, 5, 6 है, गुणा 2, 3 है, इसमें 4 के साथ 2 का अवयव होता है, 4 के साथ 3 का अवयव होता है, 5 के साथ 2 का, 5 के साथ 3 का, 6 के साथ 2 का और 6 के साथ 3 का होता है। 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 3। यानी ये आप इसको ऐसे समझिए कि यहां 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इधर 1, 2, 3 है, तो 4 का 2 के साथ और 3 के साथ होगा, 5 का 2 के साथ और 3 के साथ होगा, 6 का 2 का और 3 के साथ होगा। ये सेट ए है और ये ग्राफ है, ये ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन का ग्राफ है। साथियों, इसका ए प्लस ए गुणे बी का आलेख हुआ। ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप चाहते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6 एलिमेंट है, यहां भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसका सूत्र भी होता है नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी। ए में 3 अवयव है और बी में 2 अवयव है, 3 × 2 = 6, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6 हो गया। अब देखिए बी क्रॉस ए करेंगे तो 2, 3 होगा, क्रॉस 4, 5, 6 हो जाएगा, 2, 4 हो गया, 2, 5 हो गया, 2, 6 हो गया, फिर 3, 4 हो गया, 3, 5 हो गया और 3, 6 हो गया। साथियों, ये बी क्रॉस ए हो गया। इसके ग्राफ अगर देखना चाहते हैं, ये 2, 3 हो गया, ये 4, 5, 6 हो गया, इसका ग्राफ ऐसा हुआ, ये बी क्रॉस ए का ग्राफ हो गया, इस पर बी है, इस पर ए है। साथियों, आप खुद देख सकते हो दोनों ग्राफ अलग अलग है, जो पोजीशन इसका है वो पोजीशन इसका नहीं है, स्पष्ट दिखता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो अब ये देखना ये बराबर क्यों नहीं है, किस कारण से बराबर नहीं है। तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी की कार्तीय गुणन का जो अवयव आया है इसे क्रमित युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, एक क्रम है, इसके ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व है। 4, 2 का मतलब हो गया ये पॉइंट, ये पॉइंट 4, 2 हो गया, और 2, 4 का मतलब ये पॉइंट हो गया, दो अलग अलग पोजीशन हो गया। ये 1, 2, 3, 4 है, ये 4, 2 है और ये 2, 4 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2, 4 हो गया, ये दोनों का पोजीशन है, ये 2, 4 हो गया, ये 4, 2 हो गया, दोनों दो जगह है, अलग अलग है, इसलिए 2, 4, 4, 2 के बराबर नहीं होगा, ये क्रमित युग्म बराबर नहीं है, इसलिए
कहेंगे कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ बी गुणे नंबर ऑफ ए आएगा। इसमें दो अवयव है, इसमें तीन, छह, दोनों में अवयवों की संख्या समान है। अब यहां भी गिन सकते हैं, तीन तीन छह हो गया, यहां दो चार छह हो गया, दो अवयवों की संख्या बराबर है, क्रमित युग्मों की संख्या बराबर है, लेकिन एक और बी का कार्तीय गुणन बी और ए के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं होता है साथियों, क्योंकि दो चार चार दो के बराबर नहीं है, दोनों की अलग अलग पोजिशन होती है। अब हम देखेंगे कुछ संबंध किसको कहते हैं। यो तो आप संबंध के बारे में सुना है कि भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, माँ बेटे का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, इस तरह से आपने कई संबंधों को सीखा है। आज हम लोग समुच्चय में संबंध बनाने के लिए सीखेंगे। अब संबंध के बारे में देखेंगे कि संबंध किसको कहते हैं, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। साथियों दो समुच्चय अगर है ए और बी, दोनों अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय यानी सभी में कुछ ना कुछ अवयव हो, तो ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन ए और बी के प्रत्येक उपसमुच्च, प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध कहलाता है, ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ए और बी का, ए क्रॉस बी का जितने भी उपसमुच्च होंगे उसके उपसमुच्चयों को ही कहते हैं संबंध ए से बी में। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्च बी से ए में एक संबंध कहलाएगा। इसी फॉर एग्जाम्पल्स ए बराबर लिखते हैं एक और दो, अब बी बराबर लिखते हैं तीन चार, ए को बी से गुणा करते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणन निकालते हैं, एक तीन एक चार, दो तीन दो चार। अब देखिए इसमें से कुछ भी निकाल लीजिए, एक तीन निकाल लीजिए, दो चार निकाल लीजिए, यह संबंध है। संबंध में दो चीज होता है, प्रांत, पहले वाला अवयव प्रांत कहलाता है, इसका प्रांत एक दो हो गया, फिर बाद वाला जो अवयव होता है परिसर कहलाता है, तीन चार इसका परिसर हो गया। इस संबंध का एक दो प्रांत हो गया और तीन चार परिसर हो गया। प्रथम प्रविष्टि प्रांत का अवयव होता है और द्वितीय प्रविष्टि परिसर का अवयव होता है। किसी क्रमित युग्म का पहले जो आया उसको प्रथम प्रविष्टि कहते हैं, बाद में आता है उसको द्वितीय प्रविष्टि कहते हैं। तो पहला प्रविष्टि जो होता है प्रांत का अवयव होता है, द्वितीय प्रविष्टि परिसर का अवयव होता है। दो प्रांत का हो गया, चार परिसर का हो गया, इस संबंध का प्रांत और परिसर हो गया। अब संबंधों की संख्या निकालना चाहिए, ए से बी में संबंधों की संख्या निकालते हैं तो दो के पावर एन नंबर ऑफ ए गुणे बी होता है। ए गुणे बी में जितने अवयव होंगे उतने ऐसे बी में संबंध बनेंगे। यहां पर दो अवयव, यहां दो अवयव, यहां चार है तो दो के पावर है यहां चार हो जाएगा, मतलब सोलह। इस उदाहरण में सोलह उपसमुच्च होंगे यानी ए से बी में संबंधों की संख्या सोलह होगी। अब हम गौर करते हैं कि इस पर संबंधों के ये उदाहरण कैसे बनाते हैं एनसीईआरटी का। तो एक चीज बताते हैं ये साथियों कि अगर मान लीजिए यहां एक्स वाई है और यहां एक दो है, ये दो क्रमित युग्म है आपस में बराबर है, इसका मतलब है एक्स जो है एक के बराबर है और वाई जो है दो के बराबर है। ये क्रमित युग्म की विशेषता है कि पहला प्रविष्टि पहले प्रविष्टि के बराबर होगा, दूसरा प्रविष्टि द्वितीय प्रविष्टि के बराबर होगा, एक से के बराबर होगा, वाई दो के बराबर होगा। अब देखिए इतनी बातों को सीख लिया इसके उदाहरण को बनाने में आपको काफी सहूलियत होगी। अब एग्जाम्पल बनाएंगे, एनसीईआरटी किताब खोलिए क्लास 11 का और अध्याय 2 का उदाहरण निकालिए। पहले उदाहरण देखिएगा कि ये है, ये क्रमित युग्म तीन के बराबर है तो एक्स और वाई का मान बताना है। साथियों ये पहला प्रविष्टि जिसके पहले प्रविष्टि के बराबर है आप जानते हो, तो एक्स प्लस वन जो है तीन के बराबर हो गया, मीन्स एक्स तीन में से इधर घटेगा दो हो जाएगा, तीन माइनस एक
यानी x का मान 2 के बराबर हो जाएगा, y माइनस 2 1 के बराबर, सेकंड प्रविष्टि सेकंड के बराबर, यानी इसका मतलब हो गया y बराबर 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। ये जो माइनस है इधर आने पर प्लस हो जाता है। इस तरह से x का मान 2 और y का मान 3 निकल के आ गया। एग्जांपल्स 2 देखिए, ये a p दिया है, q दिया है, p गुने q ज्ञात करना है, p को q से ज्ञात करना है, यानी a गुने r, a r b r c r, ये हो गया p गुने q। जब q गुने p करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले प्रविष्टि r हो जाएगा, r a r b r c। कहता है क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, p क्रॉस q बराबर नहीं है q क्रॉस p का। क्यों? क्योंकि ar r a के बराबर नहीं है। यहां प्रथम प्रविष्टि ये है, यहां प्रथम प्रविष्टि r है, ये r के बराबर नहीं होता, इसलिए p गुने q q गुने p के बराबर नहीं होगा। साथियों एग्जांपल्स 3 देखें, बहुत इजी से थोड़ा सा संपर्क बनाइए, थोड़ा कंसंट्रेट हुई, थोड़ा ध्यान दीजिए पर आसानी के साथ सीखिए। एक एक दो तीन है, घुने बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए कौन सा अवयव कॉमन है, जो दोनों में है, बी में भी और सी में भी है, वो है चार। गुना कीजिए, एक चार दो चार तीन चार, यह एक क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का अवयव हो गया। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। साथियों एक को बी से गुना करेंगे, एक तीन एक चार दो तीन दो चार तीन 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 चार, ये हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए को सी से क्रॉस करना है, एक चार एक पांच एक छः, फिर दो है, दो चार दो पांच दो छः, फिर तीन है, तीन चार तीन पांच तीन छः। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, कौन सा अवयव दोनों में है, एक चार दोनों में है, एक चार फिर दोनों में कौन है, दो चार फिर तीन चार, एक चार दो चार तीन चार, ये तीन अवयव दोनों में है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। यहां देखिए एक चार दो चार तीन चार, यानी इसका मतलब यह है कि दोनों आपस में बराबर है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का, यानी यह वितरण नियम है, सर्वनिष्ठ का वितरण नियम है कार्तीय गुणन के साथ। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए, ए में एक दो तीन है, क्रॉस बी यूनियन सी दोनों का यूनियन कर लिए, तीन चार पांच छ। अब साथियों इसको गुना करना, जैसे इसको गुना किए वैसे करेंगे, लिखेंगे एक तीन एक चार एक पांच एक छ, फिर दो के साथ लिखेंगे दो तीन दो चार दो पांच दो छ, तीन के साथ तीन 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 चार तीन पांच तीन छ, छोटे कोष्टक में लिखेंगे और प्रत्येक के बीच कॉमा का चिन्ह देंगे। इस तरह फिर इसको निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अब आइए एग्जांपल्स 4 में, P बराबर दिया एक दो, P क्रॉस P गुना P ज्ञात करना है साथियों, तो P को P से गुना करेंगे तो एक एक आएगा, एक दो आएगा, फिर दो एक आएगा, दो दो आएगा। अब P गुने P निकालना है। अब सबके साथ में अंतिम में एक एक बार दे दिए और दूसरे बार में दो दे दीजिए, मीन्स एक 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 दो एक दो एक एक दो दो एक, फिर इधर है एक एक दो एक दो 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 एक दो दो
दो दो दो, इस तरह से पी क्रॉस पी का मान निकल के आ गया। साथियों एग्जाम्पल फाइव में जो है वो कह रहा है कि आर कोई वास्तविक समुच है, तो जब आर को हम आर से गुणा करते हैं तो इसका अभी हम एक्स वाई आ जाता है, सच दैट एक्स दस आर वाई दस आर। अगर आर क्रॉस आर क्रॉस आर करेंगे तो इसका अवयव हो जाएगा एक्स वाई जेड, सच दैट एक्स वाई जेड सदस्य होगा आर के। इसमें क्रमित युग्म बनता था, इसमें ट्रैपल बनेगा, तीन प्रविष्टि का एक एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा। साथियों अब क्वेश्चन नंबर छह पर आ गए। ए क्रॉस बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी में प्रथम प्रविष्टि जो होता है, प्रथम घटक जो होता है वह ए का अवयव होता है, पी पी एम, तो दोबारा पी नहीं लिखेंगे, और बाद की जो प्रविष्टि होती है वो बी का अवयव होता है, क्यू आर क्यू, दोबारा क्यू नहीं लिखेंगे, पी पी एम एम क्यू आर क्यू आर। तो ए का मान पी एम हो गया, बी का मान क्यू आर हो गया। साथियों एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखेंगे। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 निकालिए और सॉल्यूशन कीजिए। नंबर एक, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर दिया हुआ, ये दो ऑर्डर पेयर बराबर है, तो पहला पहले के बराबर, तो x बटे तीन प्लस एक बराबर हो गया 5/3, x बटे तीन बराबर हो गया 5/3 माइनस एक, एलसीएम 3 5-3 बराबर हो गया 2/3, इसलिए x का मान आ गया, ये 3-3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। y बराबर हो जाएगा वैसे 1/3, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा 2/3, 3/3 का मतलब x एक हो गया, अतः x का मान 2 आ गया और y का मान 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, a में 3 अवयव है, नंबर ऑफ a बराबर 3 अवयव है, समुच्चय b में भी 3 अवयव है, तो a गुणे b में अवयव संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी, 3 × 3 बराबर 9, इसमें 9 अवयव होगा। साथियों जी का मान दिया है और एच का मान दिया है, जी क्रॉस एच निकालना है, जी क्रॉस एच बताइए क्या होगा, 7-5 ठीक है, 7-4 7-2 8-5 8-4 8-2 जब एच गुणे जी करेंगे तब क्या लिखेंगे साथियों, जल्दी से बताइए, एच को पहले लिखेंगे 5-7 5-8 फिर 4 × 4 7 4-8 2-7 2-8 ये हो गया एच गुणे जी। क्वेश्चन नंबर 4 बताया कौन सत्य है और कौन असत्य है, यह कथन असत्य है तो सही बताए बनाइए, पी का मान दिया है क्यू का मान दिया है, पी गुने क्यू करेंगे तो एम गुने एन फिर एन गुने एन और एन गुने एम, ये होगा साथियों एम एन एम एन 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 एन, यहां 2 अवयव है यहां 4 अवयव हो गया, यह असत्य हो गया और यह इसका सही हो गया। सेकेंड, ए और बी और एक समुच्चय हो, ए और बी का क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय होगा, इस प्रकार की एक सदस्य ए वाई सदस्य ए, तो क्रमित युग्म में जो है ए और बी और एक समुच्चय तो ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म एक्स वाई एक अरिक्त समुच्चय होगा, इस प्रकार की एक सदस्य ए है वाई सदस्य बी है, ये कथन सत्य है साथियों, ए बराबर ए है, ए बराबर 1-2 है, बी बराबर 3-4 है,
तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई निकालना है। ए का मतलब एक दो हो गया इंटू बी इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है फाई। किसी भी सेट को फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई होगा साथियों। इस तरह से इसका भी उत्तर हो गया फाई। क्वेश्चन नंबर फाइव में सेट ए का मान दिया है ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे ना, ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, माइनस ए। सेट ए में माइनस एक एक है तो एक उन्हें एक पहले निकालेंगे तो माइनस एक एक हो जाएगा। फिर माइनस एक के साथ में माइनस एक होगा, फिर एक के साथ में माइनस एक होगा, फिर एक के साथ एक होगा। ये चार अवयव हो गया। अब एक गुणे एक करेंगे तो सबके अंत में माइनस एक बार लगाएंगे और फिर सबके अंत में एक लगाएंगे। मीन्स ये हो गया माइनस एक एक और माइनस एक, माइनस एक माइनस एक माइनस एक, एक माइनस एक माइनस एक, एक एक माइनस एक। तो सबके साथ माइनस एक लगा, अब सबके साथ में एक लगाएंगे। माइनस एक एक एक, माइनस एक माइनस एक एक, एक माइनस एक एक, एक एक एक। इस तरह से एक गुने एक ज्ञात हो गया साथियों। ए क्रॉस बी का मान दिया तो कहता है ए क्रॉस बी का मान ज्ञात है करना है, दिया हुआ है तो ए और बी का मान बताना है क्या होगा। ए बराबर पहली प्रविष्टि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और बी बराबर द्वितीय प्रविष्टि द्वितीय घटक एक्स वाई हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस डी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी स्थापित करना है। तो सबसे पहले क्या ए कितना दिया हुआ है, एलिप्टिस में चलिए, ए दिया हुआ एक दो क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब फाइव हो गया। इट मींस ये फाइव हो जाएगा। आर एच एस चलिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, ए को बी से क्रॉस कीजिएगा, एक 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 दो एक तीन एक चार, दो एक दो 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 तीन दो चार। अब इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी का, ए को सी से क्रॉस करेंगे, एक पांच एक छ दो पांच दो छ, इस दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स इंटरसेक्शन फाइव हो गया। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रमाणित हो गया साथियों। सेकेंड है ए क्रॉस सी, ए को सी से क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस सी यहां निकला हुआ है, एक पांच एक छ दो पांच और दो छ, ए क्रॉस सी निकला हुआ। बी क्रॉस डी, बी को डी से क्रॉस कीजिए, बी यहां है और डी यहां है, एक पांच है एक छ एक सात एक आठ, यानी एक पांच यहां है एक छ भी है। अब दो के साथ लेंगे, दो पांच दो छ दो सात दो आठ, दो पांच भी है दो छ भी है। फिर तीन के साथ करेंगे ऐसे, तीन पांच तीन छ तीन सात तीन आठ, चार के साथ करेंगे चार पांच चार छ चार सात चार आठ, इसका सारा एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब यह हो गया ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, एक उपसमुच है। अब साथियों ए क्रॉस बी निकालना है, ये तो आप निकाल चुके हो, ऐसा काम कर चुके हो, तो बताओ क्या जल्दी होगा, जल्दी से बता दो।
एक तीन, वेरी गुड, फिर एक चार, दो तीन, दो चार, ये निकल के आ गया एक रोशनी। इतने कितने उपसमुच्च होंगे? उपसमुच्चों की संख्या दो के पावर एक दो तीन चार है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी दो के पावर चार बराबर 16 होंगे, 16 उपसमुच्च होंगे साथियों। तो इन कौन कौन होंगे? एक कुछ तो फाइव हो गया, फिर एक में एक तीन हो, एक एक एलिमेंट वाला ले लीजिए, दो दो एलिमेंट लीजिएगा, तीन तीन एलिमेंट लीजिएगा, चारों एलिमेंट को लीजिएगा, कुल मिलाकर के 16 अवयव इसमें होंगे, जो 16 उपसमुच्च इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी दो समुच्च है, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 2 है, एक्स 1 वाई 2 जेड 1 ए में ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी ज्ञात करना है। तो प्रथम प्रविष्टि एक्स ए का होता है, ए गुना के पहले, तो प्रथम प्रविष्टि ए का होता है, तो एक्स वाई जेड है, तो ए बराबर हो गया एक्स वाई, कहता है ए में 3 अवयव है तो 3 अवयव आ गया। बी बराबर है, बी बाद की प्रविष्टि है तो एक दो, दो है, यहां पर नंबर ऑफ बी 2 है, बस ए बराबर इतना हो गया, बी बराबर एक दो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्तिक गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, इसमें ये तो प्रथम प्रविष्टि ए होगा, माइनस एक जीरो एक, माइनस एक है जीरो है, और बाद वाला भी ए ही है तो जीरो और एक होगा, यानी कि माइनस एक जीरो एक, 3 अवयव इसके होंगे। अब ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे तो माइनस एक माइनस एक माइनस एक जीरो माइनस एक एक, फिर जीरो माइनस एक जीरो 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 एक, फिर एक माइनस एक एक जीरो एक एक, इस तरह से ए क्रॉस ए निकल के आ गया। इसमें से 2 अभी अब आपको दिया हुआ है, माइनस एक कॉमा जीरो और जीरो कॉमा एक, तो शेष अवयव, तो शेष अवयव को लिख देंगे, माइनस एक माइनस एक माइनस एक एक, जीरो माइनस एक जीरो जीरो, माइनस एक एक माइनस एक एक जीरो और एक एक, इस तरह से 9 अवयव इसमें है, दो अवयव छोड़े तो एक दो तीन चार पांच छह सात अवयव हो गया, इस तरह से अवयव इसका हो गया साथियों। इस तरह से आपने एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.1 को सफलतापूर्वक बनाया। हम अगले सत्र में 2.2 के एग्जाम्पल्स, बेसिक नॉलेज और एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, तब तक लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।